हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके लिए लगातार ऑनलाइनर करंट ला रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल पर जो भी एग्जाम होते हैं, खासकर फ्रेंड बिहार एसआई के लिए जो कि कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। फ्रेंड बस अब 10 दिन बचा हुआ है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो एक बार एग्जाम देने जा रहा है फ्रेंड, तो जरूर देख के जाइएगा फ्रेंड। और शुरू करते हैं फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी। फ्रेंड आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार कर लें। और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे फ्रेंड, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड, ताकि आपको हर वीडियो के अपडेट मिलते रहें फ्रेंड। ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं। वह देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में नशीली पदार्थ एवं मानव तस्करी एवं आर्थिक अपराधों के रोकथाम हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो वो कौन सा देश है? तो वो है रूस। रूस के साथ भारत ने हाल ही में नशीली पदार्थ एवं मानव तस्करी के अपराधों के रोकथाम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इक्वा ट्रंप हैदराबाद के किस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी? तो वो पहुंची थी इक्वा ट्रंप वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन। और डोनाल्ड ट्रंप के बेटी का नाम क्या है? तो इवांका ट्रंप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और हैदराबाद के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी, और कार्यक्रम का नाम था वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पाकिस्तान के कानून मंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जाहिद हमीद। जाहिद हमीद हैं जिन्होंने जो हाल ही में इस्तीफा दिए हैं, पाकिस्तान के कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वह पहली भारतीय महिला जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है भारतीय महिला विश्व संगठन, तो वो है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रथम भारतीय महिला जिन्हें उप महानिदेशक बनाया गया, वो कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का उद्घाटन किया? तो हरियाणा में रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, रितु फोगाट ने अंडर 23 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है रितु फोगाट। हाल ही में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था अंडर 23 का, तो उसमें रजत पदक जीता है रितु फोगाट ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लीजिएगा, हाल ही में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2017 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो पाकिस्तान के साथ भारत में कबड्डी हुआ था, पाकिस्तान के साथ विश्व कप कबड्डी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस भारतीय पुरुष एथलीट ने हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोपी थोनाकल जो भारतीय एथलीट हैं, उन्होंने हाल ही में एशियाई मैराथन में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसरो द्वारा हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो इसरो ने हाल ही में आदित्य एल वन नाम का मिशन स्टार्ट किया था, जिसमें प्रस्तावित सूर्य का अध्ययन किया जाएगा फ्रेंड। तो ये प्रस्तावित है, अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन चालू होने के आसार हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेकर दुनिया का सबसे तेज विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है? तो वो रविंद्र चंद्र अश्विन थे जिन्होंने 300 विकेट लेकर दुनिया का सबसे तेज विकेट लेने वाला गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है भारतीय संविधान सभा का आयोजन। ज़्यादातर फ्रेंड समारोह का उद्घाटन इधर इस तरफ दिसंबर से लेकर जनवरी तक में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने बहुत सारे जगह का उद्घाटन किया फ्रेंड, बहुत सारे समारोह में। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना दिवस मनाया, NCC की स्थापना दिवस है, तो ये 69वां NCC स्थापना दिवस था NCC वालों का। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो के के अल्फांस थे जिन्होंने
राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य में सरकार ने हाल ही में 12 साल के या उससे कम उम्र के लड़के लड़कियों के साथ बलात्कार दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो वो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इन 12 साल से कम उम्र के साथ अगर बलात्कार होता है तो दोषियों की फांसी देने की सजा का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बांग्लादेश में शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो म्यांमार के साथ बांग्लादेश ने शरणार्थियों के, फिलहाल वो अभी बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं रोहिंग्या मुसलमान, लेकिन बांग्लादेश ने ये समझौता म्यांमार के साथ भी किया है कि ताकि वहाँ शांति हो, उसके बाद ये लोग लौट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वह भारतीय पुत्र जिसने ऐतिहासिक हिंद महासागर अभियान के रास्ते की खोज की थी? तो वो थी सागर धोनी। यह भारतीय पुत्र थी जिसने ऐतिहासिक हिंद महासागर के अभियान में रास्ते की खोजा था, तो उसका नाम था सागर धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज का नाम बदलकर वंदे मातरम महाविद्यालय किया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलकर वंदे मातरम महाविद्यालय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, महिलाओं से जुड़ी वह योजना जिससे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशव्यापी विस्तार हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा लागू कराई गई है। इसमें देशव्यापी विस्तार हेतु मंजूरी प्रदान भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गोवा में आयोजित 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IMIAFFI के चयनित भारतीय फिल्मों की संख्या कितनी है? तो 5 है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 48वें, इसमें भारतीय फिल्म के गोवा में जो आयोजित हुई थी, इसमें कितने भारतीय फिल्म चुने गए थे? तो 5। फिर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है? तो दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, सरदार द्वारा जारी किस मोबाइल ऐप की सहायता से 200 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है? उमंग मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा आप सरकारी सेवाओं का आनंद घर बैठे ले सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का किस वन क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन संस्थान कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा है? तो वो है काशी को कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका स्थित 3 सेल गैस परिसंपत्ति ब्लॉक में एक अपनी पूरी हिस्सेदारी की कंपनी का 12.60 करोड़ डॉलर बेचा? तो विवेकी चेल्सी थे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका में स्थित 3 सेल कंपनी को 12.60 करोड़ डॉलर में एक अपनी पूरी हिस्सेदारी दी है फ्रेंड, तो वो है विकसे चेल्सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 23 नवंबर 2017 को किस शहर में साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, केंद्र सरकार ने कितने मेट्रो शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर योजना शुरू की है? तो 8 मेट्रो शहरों में सुरक्षित शहर योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने। तो ये थे फ्रेंड इंपॉर्टेंट कुछ करंट के क्वेश्चन, और मैं ऐसे ही लगातार आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड आपके एग्जाम आने तक। तो फ्रेंड जुड़े रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय, जय हिंद।